आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि भगवान आपके अंदर ही वास करते हैं, पर इस बात का अनुभव कैसे किया जाए? आपको जानकर के हैरानी होगी कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देख सकते हो, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ पास्ट है। यानी कि जब भी आपकी आँख किसी चीज़ को देखती है और उस चीज़ को आपकी आँखों तक जो रोशनी की किरण लेकर के आती है, उसको आने में कुछ माइक्रोसेकेंड का समय लगता है, तो यानी कि पास्ट हो गया। इसी प्रकार से जब भी कोई आपको आवाज़ देता है या फिर आपको कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उस वाइब्रेशन को आपके कान तक आने में और उस वाइब्रेशन को आपके कान में घुस करके आपके दिमाग तक जाने में भी कुछ माइक्रोसेकेंड का समय लग रहा है, तो ये भी पास्ट हो गया। आप जो कुछ भी देख रहे हो वो सब कुछ पास्ट है, जो कुछ भी सुन रहे हो वो भी पास्ट है, और हम इंसान सोचते हैं कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, जबकि हमारी इंद्रियां तो प्रेजेंट में काम कर ही नहीं रही। ये सब कुछ थर्ड डायमेंशन तक ही सीमित है। इस थर्ड डायमेंशन में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, थर्ड डायमेंशन 3D में कहलाती है, और इस 3D में जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारी आँखों से दिखता है, जो भी हम कुछ सुनते हैं वो हमारे कानों से सुनाई देता है, जो भी हम कुछ बोलते हैं वो हमारे मुख से होता है, पर ये तीनों इंद्रियां ही प्रेजेंट में काम नहीं कर रही, ये सब कुछ पास्ट है। तो फिर प्रेजेंट क्या एक मिथ है? इस थर्ड डायमेंशन के बाद आता है फोर्थ डायमेंशन, जिसे समय कहते हैं, जो निरंतर चलता रहता है। परंतु इस फोर्थ डायमेंशन के बाद भी एक और डायमेंशन है, जिसे फिफ्थ डायमेंशन कहते हैं, जो हमारे पास ही है, बट हम उसे समझना नहीं चाहते, या फिर समझ करके भी उसे अनदेखा कर देते हैं। इस फिफ्थ डायमेंशन में आप बिना आंखों के देख भी सकते हो, इस फिफ्थ डायमेंशन में बिना कान के सुन भी सकते हो, और बिना मुख के बोल भी सकते हो। ये वही डायमेंशन है जिसे परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं, और जो भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा था कि मैं हर एक जीव में वास करता हूँ, कि फिफ्थ डायमेंशन यही है। आप बचपन से इसे अनुभव करते आ रहे हो, बस कमी इस बात की है कि आपको इस फिफ्थ डायमेंशन का ज्ञान नहीं था। महसूस करना चाहोगे उस भगवान को, शक्ति को जो तुम्हारे ही भीतर है? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक छोटा सा ही एक्सपेरिमेंट है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, और मन में जोर से अपना नाम चिल्लाओ। बोल लिया, सुनाई दिया तुम्हें अपना नाम, और देखो तुमने ना तो अपना मुख का इस्तेमाल किया और ना ही तुमने अपने कान का इस्तेमाल किया, बट फिर भी तुमने बोला और तुम्हें सुनाई भी दिया। चलो रुको, एक चीज़ और करते हैं, आंखें बंद करो, करो बस कल्पना करो, बस सोचो, लाल सेब, रेड एप्पल, दिखाई दिया? इन तीनों ही चीज़ों में ना तो तुमने अपने कान का इस्तेमाल किया सुनने के लिए, ना ही मुख का बोलने के लिए, और ना ही आँखों का देखने के लिए, बट फिर भी ये तीनों ही काम हो गए, वो भी प्रेजेंट में। ये कैसे पॉसिबल है? अब एक कमाल की बात ये भी है कि साइंस ये बोलता है कि हमारा मन एक बारी में एक ही काम कर सकता है। तो सोचो, जब तुम अपने मन में कुछ बोल रहे हो तो सुन कौन रहा है? भगवान कृष्ण ने यही बोला है कि मार जीव हर इंसान में वास करता हूँ, यानी कि वही आत्मा है जो सुन रही थी। जब भी तुम आँख बंद करके कुछ देखते हो, कुछ सोचते हो, कोई कल्पना करते हो, और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, तो देखने वाली वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही श्री कृष्ण भी हैं। जब तुम खुद को छूते हो तो जो महसूस हो रहा है, तो ये जो महसूस करने वाली है, यही आत्मा है। कितनी कमाल की बातें हैं ना, जो हमारे ऋषि मुनियों को कितने सालों से, हजारों सालों से पता थी। इसी कारण से वो हमेशा से ध्यान के लिए कहा करते थे, मेडिटेशन के लिए कहा करते थे। भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, ये सभी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और आपको भी मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। यानी कि इन्हें पता है कि जब तुम अपने अंदर झांकना शुरुआत कर दोगे, तो बाहर की दुनिया भी उतनी ही ज़्यादा साफ होती हुई नज़र हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो, तुम इस मेडिटेशन को आखिरकार करते कैसे हैं, किस प्रकार से सही तरीका है मेडिटेशन का, क्या गोल होते हैं मेडिटेशन, किस बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो ला करके दे सकता हूँ। और ये वीडियो, ये ज्ञान, ये बातें आपको कैसे लगी, ये भी जानना चाहूँगा कॉमेंट सेक्शन में। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलिए जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज टेंशन प्रणाम करें।